उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का खेत में खून से लथपथ हालत में शव मिला। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि शव देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक आदेश कुमार सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घुगली थाना क्षेत्र के बारी गाँव सिवान में एक बालिका का शव मिला है, जिसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। शव के बगल में ही एक साइकिल भी मिली है। शव की पहचान कुशीनगर जिले के गजरा गांव निवासी छात्रा के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद अब पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जल्द घटना के खुलासे की बात कह रही है। ये थाना घुगली क्षेत्र में बारी गांव पड़ता है। वहां पे एक लड़की की धारदार हथियार से गला काट के हत्या की गई है। अभी मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें टीमें भी गठित की जा रही है। जल्द ही इस पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अब ये है तो देखने से हत्या का ही मामला है और अभी जब इसमें मुकदमा पंजीकृत कर हम जांच करेंगे तभी इसमें हम आगे आपको अवगत करेंगे।